हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड हनी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस टाइम हो रहा है रात के लगभग 8:30 के करीब। सोच रही हूँ दाल चावल और सब्ज़ी बना लेती हूँ, बिकॉज़ कई बार मेरे को रात में दाल चावल खाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूँ, पर वही है कि बिना सब्ज़ी के मुझे मज़ा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं दाल तो बन गई है अरहर की, उसका तड़का एक तरफ रेडी कर रही हूँ, एक तरफ सब्ज़ी का इंतज़ाम कर रही हूँ। कटिंग चॉपिंग सब एक साथ कर ली थी, दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं अभी। तो गाइस एक तरफ बन रहा है तड़का, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, डाल दिया उसमें टमाटर। अब इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले, नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इस तरीके से। और मैंने दाल के अंदर दरअसल 3 बॉईल करने के लिए आलू डाल दिए थे, तो अभी आप देखेंगे जब मैं उसको निकालूंगी तो सब्ज़ी बनाऊंगी उससे। और गाइज इस तरीके से आप लोग भी शॉर्टकट कर सकते हैं, अगर किसी के पास ये आइडिया ना हो कि उन्हें लग रहा है कि सब्ज़ी बनानी है फटाफट से, तो एक काम वो यही कर सकते हैं कि आलू दाल में ही डाल दें और इस तरह से बॉईल हो जाए, बाद में टमाटर प्याज डाल के उसकी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना लें और खा सकते हैं। और गाइज आजकल मैं चावल भी ना कुकर में ना बना के भगोने में बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं, सासू माँ हैं ना, वो भगोने में बनाती हैं। तो मैं जब से आगरा आई हूँ तब से मैंने भी इसमें शुरू कर दी है, वरना मैं पहले बैंगलोर में कभी भी मैंने भगोने में नहीं बनाए राइस, लेकिन अब यहाँ मेरी भी आदत हो गई है। तो गाइज हमारी सब्ज़ी लगभग बन गई है 80%, बस उसमें आलू मैश करके डालने हैं। और दाल हमारा तड़का लग चुका है, मैंने दाल पलट दी है, दाल इज़ रेडी, सब्ज़ी भी रेडी हो गई है 5 मिनट्स में। तो गाइज मैं लगा रही हूँ डिनर अपना और हस्बैंड बच्चे का। तो डिनो का खाना मैं अलग रखती हूँ, एक कटोरे में दाल और चावल मिक्स करके, और अपना और हस्बैंड का एक ही में लगा लेती हूँ, बर्तन कम होते हैं इससे। और थोड़ा सा नींबू डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ खट्टा ही मुझे खाना पसंद है। और गाइज मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन था कि आपके विंडो पे, मतलब जो किचन का विंडो, उस पर टॉवल क्यों टांगा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मेरे ऊपर जो टेनेंट रहते हैं ना, वो कई बार उतर के ऊपर से आते हैं तो डायरेक्ट नज़र पड़ती है, तो इसलिए डाला हुआ है, सो दैट ये मतलब अनकम्फर्टेबल फील ना हो। हमारा खाना पीना हो गया है, मतलब डिनर हो गया है हमारा, टाइम भी ऐसा हो रहा है 11 करीब, और किचन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। मैं इधर बैठी थी अपने रूम में, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी, और वो दोनों डैडी बेटा लगे हैं बाहर हुई गेम वेम में, हद हो गई। पिछले साल इनको लूडो का भूत सवार था, अब इस साल इनको ये बेटे ने लगा दिया, वो लग गया, अब अलग तरह का एक रोग लगा है, वो छूटने नहीं वाला। अब मैं यहाँ कमरे में अकेली हूँ, वो दोनों लगे हुए हैं, दोनों की आपस में लड़ने की आवाज़ आ रही है बस। चलिए गाइज मिलती हूँ आप लोगों से कल, गुड नाइट, सो जाइए अब आप लोग। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है शाम के लगभग 6:15 का। डिनो ने बोला भूख लगी है, तो मैंने सोचा उसको फ्राइज़ बना के दे देती हूँ, क्योंकि और जो चीज़ें सोची थी वो कुछ फेल हो गए प्लान्स। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़्राइज़ और थोड़े बहुत चीज़ बॉल्स बनाए दे रही हूँ, क्योंकि चीज़ बॉल्स थोड़े रह गए तो अभी ख़त्म कर दे रही हूँ ताकि नए मंगा सकूँ। तो बना लेते हैं, फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। ये कौन चिज्जू खाएगा? प्यारू खाएगा? अगेन टुडे वी विल मेक अ सिटी। मैं क्या पूछ रही हूँ? उस सिटी का नाम रख दो डिनो। चिज्जू किसके लिए बनाई है मम्मा ने? चिज्जू किसके लिए बनाई है मम्मा ने? पहले वहाँ पे मम्मा को बोलो। हाँ हाँ हाँ, बस बस, दूर 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 दूर। सॉल्टी पास्ता? सॉल्टी पास्ता नहीं है, फ्राइज है बेटू। सॉल्टी पास्ता इज अ टेस्टी नाश्ता, खा लो खा लो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्ती हो गए। हम तो आज मस्त नहीं है बिल्कुल, आज हमारा बीपी लो हो गया है दोबारा से। जिस भी रात मेरी प्रॉपर नींद नहीं होती उसके अगले दिन बीपी लो होता ही होता है, तो आज रात भी वही हुआ है मेरे साथ, मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहा है मामला, और 4 बजे के बाद तो बिल्कुल नींद आई ही नहीं।
वैसे भी नींद मेरे को आते आते 1:30 2 बज गए थे, और 2-2.5 घंटे में नींद मेरी खुल गई और फिर मुझे नींद नहीं आई। तो आज इन्होंने मेरा बीपी किया था चेक, वाह कितना निकला था बीपी, कितना था 160। तो गाइस आज पूरा दिन मैंने सो के गुजार दिया। सिर्फ सुबह मेरे को पता था कि अगर मैं एक बार सो गई तो उठूंगी नहीं, इसलिए इन दोनों को सुबह ब्रेकफास्ट करके खिला के चली गई थी मैं सोने के लिए। और राइस बना दिए थे मैंने, क्योंकि राइस तो फ्राई व्राई इनके डैडी भी कर लेते हैं, उल्टे सीधे कुछ तो कर ही लेंगे मैगी मसाला डाल के। तो इन दोनों ने मतलब राइस बना दिए थे, तो इन दोनों ने अपना खा लिया बना के। और ये मुझे मैंने सोना शुरू किया है सुबह 10:30 बजे और शाम 4:15 तक ये मुझे उठा नहीं पा रहे थे। इन दोनों के साथ बैठ के मुझे ऐसा लगता मैंने ही गलती की हुई है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे गेम का मजा ले, वो उसने ट्रेन बना दी, ट्रेन में राइड करवा रहा है वो। तो गाइज आज पूरा दिन सो सो के काटा है। एक बार इन्होंने मुझे आवाज़ मारी 1 बजे लगभग, बा उठ जा कुछ खा ले, भूखा सो रहा है भूखा सो रहा है। पर मेरे ऊपर नशा जैसे सवार था बिल्कुल, तो मुझे लगा मे भी रात में नींद मुझे प्रॉपर नहीं आई, इसलिए मे भी नशा आ रहा है मुझे। तो नो 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 नो, ये बचकाने हरकतें करे आप दोनों ने, पूरा टाइम मैं अकेले गुजार दिया रूम में, तुमको नहीं लगा? लेकिन बेटे अब देखो कोई गेम खेलेगा तो सिर्फ साइलेंटली गेम खेलेगा, और हंसेगा तो कोई बिल्कुल नहीं, और मस्ती तो कोई बिल्कुल नहीं मारेगा। मस्ती मारने के लिए नहीं बोला, पर आपसे मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है। ओके बेटे अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो गाइस इन्होंने 1 बजे आवाज मारी, पर मेरे पर नशा सवार, मैंने तो ऊँ भी नहीं करी, सोती रही मैं, क्योंकि मेरे को इस बात की मेंटल सेटिस्फेक्शन थी कि मैं राइस बना दिए तो ये मसाला डाल के मैगी वाला बना लेंगे। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मुझे मजबूरी में उठना ही पड़ता कैसे भी करके, क्योंकि इन दोनों को भूखा तो छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार को मैं भूखी रह लेती हूँ, पर मैं इन दोनों को नहीं रहने देती हूँ। अब ये इसका एहसान माने चाहे नहीं माने, बिल्कुल हम आपका एहसान मानते हैं, एहसान मंद हैं इस चीज के। थैंक यू सो मच फॉर योर राइस, फॉर योर फॉर व्हाट क्या राइस। तो गाइस फिर इन्होंने मेरे को 2 बजे आवाज मारी, मैंने फिर भी वहाँ नहीं करी कि बा कुछ खा ले कुछ खा ले, मैं तेरे लिए ये काट दूँ, मैं तेरे लिए तरबूज काट दूँ, ये कर, मैंने आवाज़ नहीं दी बिल्कुल। फिर उन्होंने मेरे को 3:30 बजे आवाज़ दी कि बा कुछ खा ले थोड़ा राइस खा ले, मैंने नहीं 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 समझ गया तेरा बीपी लो चल। और ये फिर बोल रहा है कि मैं इस जब भी ऐसे हरकत अगर करे ना कि बिल्कुल आवाज़ ना दे, यानी बीपी लो है। फिर 4:30 बजे मैंने जैसे तैसे 4:15 पे मेरी बहन का कॉल आया मेरे को, मिनी का, पर मैंने उसको कॉल देखते वो भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरे बगल में फ़ोन पड़ा था फिर भी मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने उसको 5 बजे कॉल, जब मैं उठ के यहाँ बैठ गई आके चाय वाय बनने रख दी मैंने। फिर आज ये समझ लीजिए मैंने और मिनी ने संग में ही चाय पी है। क्यों पता है बा, वो अपनी किचन में और मैं अपनी किचन में, वो वहाँ चाय बना रही हैं हम यहाँ चाय बना रहे हैं, ठीक है? और दोनों ने फ़ोन को रख लिया फेस टू फेस बिल्कुल ऐसे, सो दैट दोनों लोग नज़र आए एक दूसरे को। तो इस तरीके से बातचीत चल रही थी। फिर मैं यहाँ बैठ गई डाइनिंग पे, इन दोनों की चाय और दूध मैंने यहाँ रख दिया, मैं वहाँ बैठ गई अपनी नमकीन वो लेके, और वो बैठ गई अपना डाइनिंग पे अपनी चाय और चिप्स लेके, और हम दोनों बात कर रहे हैं और खा रहे हैं, है? चाय पी रहे थे क्या ऑनलाइन? यहाँ बैठ ऑनलाइन नहीं, यहाँ बैठ के चाय तो पी रहे थे, और क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन चाय पी रहे थे। तो गाइज आपको पता है आज मैंने नहाया भी बहुत लेट है, इस वजह से आज मैंने नहाया था 5 बजे, क्योंकि मैं सुबह 10:00 तो मेरी नहाने वाली हालत थी नहीं। मैं बस ये सोच रही थी जितनी एनर्जी मेरे अंदर है इन लोग के लिए कुछ खाना वाना बना के खिला दूँ इन लोग को, और कुछ दोपहर का इनका इंतजाम कर दूँ तब सोऊँ। तो मैंने आज बिना नहाए सब काम कर दिया है, और आज 5 बजे उठ के मैंने नहाया, इसलिए आप मेरे को देख सकते हैं, मेरे तो बाल अभी भी सूखे नहीं है, क्योंकि मैं ना शावर लेती हूँ गर्मियों में, तो क्या है ना मेरे बाल कई बार भीग जाते हैं, तो वो फिर सूखते भी नहीं है जल्दी। तो अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग, मैंने 5 बजे मिनी से बात की थी और शायद 6:30 भी हो रहा है, 1.5 घंटा पूरा बात किया मैंने उससे। तो अभी अभी मैंने फ़ोन काटा था उसका मिनी से बात करके। तो फिर भूख लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि चाय, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में इसलिए भूख लग रही थी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो ये समझ लीजिए मैंने चाय पी है साथ में, ब्रेड बटर रख के साथ में खाया है उसके साथ ही मिनी के साथ ही।
और उसके बाद फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भूख लगी हुई है, तो मैंने इनसे कहा क्या करूँ, चाय से तो मेरी भूख मिटी नहीं है, बटर से भी नहीं, ब्रेड बटर से भी नहीं मिटी। तो इन्होंने कहा और कुछ देख ले। अब मैंने कहा इतनी जल्दी क्या बनाऊँ, अब फिर मैंने कहा चलो थोड़े बहुत ये फ्राइज और ये चीज़ बॉल्स बना लेते खा लेंगे, तो वही खा के अभी निपटे हैं हम लोग। टाइम ऐसा हो रहा है अभी 6:40 अराउंड हो गया है सारा खाना पीना अभी फ़िलहाल का, चाय नाश्ता। अभी डिनर का सोचा नहीं क्या बनाऊंगी। गाइस मैं हर तीसरे दिन बाल धोती हूँ पर मेरा सर एकदम ऑयल छोड़ता है तीन दिन में ही। तो आज मैं अपनी बहन से वही समस्या डिस्कस कर रही थी फ़ोन पे, तो वही वो कह रही थी कि तेरी आदत है ना बालों में हाथ डालने की ज़्यादातर, इसलिए और तेरा सर ज़्यादा जल्दी ऑयली हो जाता है। तो पर मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे आदत है ऐसे करने की, मालूम नहीं। मेरे डैडी भी मेरे को बोलते तुम इतना बालों में हाथ क्यों डालती हो, पर मुझे समझ नहीं आता क्यों मेरे अपने आप जाते हैं ऐसे ऐसे। तो गाइस इसलिए मैंने आज कोई व्लॉग ढंग से शूट नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत सही नहीं रही है मेरी बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ के लिए तो सीधे सीधे तो मैंने क्या कान घुमा के बोला है यूं करके, हाथ पे कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन वीर्तन का तो नहीं पता, पर हाँ इतना तो कंफर्म है कि आज हमारे अंदर जान थी नहीं ज्यादा। मुझे तो पता था लो होगा, अब जिस हिसाब से तू उठने जा था ना पूरा पूरा पक्का था इसलिए तो। अच्छा 60 और 100 नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल कितना होता है? 120 ऊपर का होना चाहिए वो तुम्हारा था 100, नीचे का 80 होना चाहिए वो तुम्हारा था 60। सोचो कम नहीं चल रहा है? तो 60 और 80 में ज्यादा फर्क तो नहीं, कम ज्यादा तो नहीं, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं फर्क है, पर इतने में ही इंसान उठता नहीं है, इतना फर्क है। कल रात में मेरे बेटे ने मुझसे चाट की डिमांड की थी, मम्मा आपने चाट नहीं बनाई बहुत दिनों से। मैंने इसके लिए मटर चाट बनाने का सोचा था, तो मैंने रात में मटर सोक किया था पानी में, इस मटर की नहीं हो रही, जो वो जो ताज़ा जो ग्रीन मटर होता है वो नहीं, जो राशन वाली मटर होती है ना उसमें क्या होता है, राशन वाली मटर मतलब जो राशन की शॉप पे मिलती है, ग्रोसरी शॉप पे जो मिलती है उस मटर की बात कर रही हूँ, समझे? तो उसको सोक कर दिया था पानी में, बट पता नहीं इनको वो पैकेट थोड़ा क्या ओल्ड दे दिया क्या दे दिया, इस समय कोविड के टाइम तो मतलब वो जबकि वो ओपन्ड वाली नहीं थी, पैक्ड वाली, बिल्कुल पैक्ड और विद कंपनी का नाम वाम सब उस पे पड़ा हुआ है, पर वो मे भी शायद उसका वो टाइम चला गया हो करके नहीं। हाँ वो कुछ अलग टाइप की मटर होगी जो की अलग टाइप की, क्या यही मटर की चाट मेरी मम्मी ने खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया है, अलग वैरायटी होगी कोई ऐसी जो वैरायटी का तो मुझे नहीं पता भैया। पूरा 12-13 घंटे पानी में सोख करके रखा मैंने, फिर भी जब वो नहीं बॉयल हो रही नहीं तो मम्मी जो बैंगलोर में चाट बनाती थी जैसे हमारे लिए, तो जो मटर वो सोख करती थी पानी में, नेक्स्ट डे अगर वो एक सीटी पूरी लगा दे ना कुकर में तो वो ओवर कुक हो जाती थी, या मैं भी जब बनाती थी बैंगलोर में एक सीटी अगर पूरी लग गई तो ओवर कुक हो जाती थी, तो सीटी लगते ही उसकी हल्की सी वो निकाल दो और फिर छोड़ दो बंद तो वो सही बनती थी, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाती थी, एकदम ऐसे ऐसे हो जाती थी, मैश हो जाती थी। पर वो कैसी पता नहीं मटर थी, उसमें मैंने 17-18 सीटियां मार दी पर वो स्टिल इतना टाइट है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने कहा पता चला इससे पेट और दर्द हो रहा है, तो वो चाट का प्रोग्राम मैंने कैंसिल करके इनसे माफी मांग ली है डीनो से, इसलिए इनको फ्राइज दिए बना के, तब ये मानिए। बात ये ना बाहर की चाट जब आप लोग खाते हैं ना तो थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है, और जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं प्याज वगैरह सब आप ताज़ा कट कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ क्या होता है सब काट के रख लेते हैं घर 2-4 घंटे और फिर उससे जब बनाते हैं ना तो वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। हम लोग बाहर चाट वाट नहीं खाते ना कभी, पता नहीं कि मुझे थोड़ा डर सा लगता है चाट वाट, ये बेटू डिमांड करता है चाट की, तो मैं इसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बना के खिलाऊंगी, पर तुम अभी रो मत खिला, नहीं तो ये चाट के लिए कई बार रो जाते हैं, रो जाता है ये, बैंगलोर में लौट जाता था। चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, अब कल का भी कुछ भरोसा नहीं है, अब तबीयत ठीक रहेगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, कर दो बाय करो, चलो बाय सातिक, बाय करो, बाय कर बेटी, बाय। ये कौन सा बाय था? ये बहुत लंबी बाय कर, बाय सिंघम जी।